डायरेक्टर करण जौहर का नाम रोमांस ड्रामा का पर्याय है, जिन्होंने कुछ कुछ होता है के अलावा कल हो ना हो और कभी अलविदा ना कहना जैसी कई रोमांटिक फिल्मों को डायरेक्ट किया, पर इन सभी फिल्मों में से कुछ कुछ होता है फिल्म की बात ही कुछ अलग है। आज से 23 साल पहले 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां अंजलि बनी काजोल और राहुल बने शाहरुख खान की दोस्ती ने लोगों का दिल जीता, तो वही टीना बनी रानी मुखर्जी का प्यार भी लोगों को खूब पसंद आया था। और यही वो फिल्म थी जिसके साथ करण जौहर ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया और अपनी पहली फिल्म से ही खूब सफलता हासिल की। पर क्या आप जानते हैं कि सुपरहिट लव स्टोरी वाले फिल्म का जल्द ही पार्ट 2 हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि जल्द ही कुछ कुछ होता है 2 मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी होगी इसमें स्टार कास्ट, क्या कहानी होगी और ये फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही इस अपकमिंग रोमांटिक फिल्म के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साल 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है की कहानी शुरू होती है टीना बनी रानी मुखर्जी से, जो मरने से पहले अपनी बेटी अंजलि बनी सना सईद के लिए उसके हर जन्मदिन पर एक चिट्ठी तोहफे में छोड़कर जाती है। चिट्ठियों में राहुल और अंजलि के कॉलेज की दास्तां बयां होती है। अंजलि को 8 साल की होने पर पता लगता है कि कॉलेज में अंजलि बनी काजोल उसके पापा राहुल बने शाहरुख खान से कितना प्यार करती थी और उसकी मरती हुई माँ का एक ही ख्वाब था कि राहुल और अंजलि को फिर से मिलाना है, जिसके बाद वो कसम खाती है कि वो अपने पापा को अंजलि से मिलवा कर रहेगी और वो अंजलि को ढूंढना शुरू कर देती है। उसे अंजलि तो मिल जाती है, लेकिन तब तक अंजलि की मंगनी अमन बने सलमान खान से हो चुकी होती है। राहुल और उसका परिवार अंजलि की शादी में जाता है, जहां राहुल चुपचाप अंजलि से कबूल करता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। इसे समझते हुए अंजलि शादी करने में संकोच करती है। अमन उसकी आंखों में आंसू देख महसूस करता है कि वो हमेशा राहुल से प्यार करती रही है। वो अंजलि को सगाई से मुक्त करता है और राहुल से शादी करने के लिए कहता है। इस तरह राहुल और अंजलि की शादी के साथ ही ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। वर्तमान में इस फिल्म को करीब 23 साल हो चुके हैं और खबरों की माने तो 23 साल पूरे होने की खुशी में निर्देशक करण जौहर अब कुछ कुछ होता है पार्ट 2 जल्द ही लाने वाले हैं। खबर है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो चुका है, जिसमें फिल्म की आगे की कहानी दिखाई जाएगी। साथ ही ये फिल्म पहले से काफी ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल होने वाली है, जिसमें हमें रोमांस के साथ साथ इमोशन का भी डबल डोज देखने को मिलेगा। साथ ही फिल्म में कई तरह के ट्विस्ट एंड टर्न भी ऐड किए जाएंगे, जो आपको फिल्म देखने के लिए मजबूर कर देंगे। बात करें स्टार कास्ट की, तो लीड रोल में काजोल की जगह सारा अली खान को चुना है और शाहरुख खान की जगह करण देओल का नाम सजेस्ट हुआ है। साथ ही कहा जा रहा है कि फिल्म में शाहरुख खान की बेटी अंजलि की भी कहानी दिखाई जाएगी, तो उसके किरदार के लिए अमरीन कुरैशी सिलेक्ट हुई हैं, जिन्हें छोटी अंजलि का किरदार बड़ी होकर निभाते हुए देखा जाएगा। जिनके ऑपोजिट शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कास्ट किया है, जो इस फिल्म में अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। वही फिल्म से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस रोमांटिक फिल्म में डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की भी एंट्री होगी, लेकिन अभी तक मिथुन चक्रवर्ती के किरदार के बारे में कुछ खुलासा नहीं किया गया कि फिल्म में उनका किरदार क्या होगा। साथ ही इस फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई, जिसे देखकर लगता है कि भी फिल्म के लिए हम सभी को काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पर जब से दर्शकों को इस फिल्म के बारे में पता चला है, तब से उनके बीच फिल्म कुछ कुछ होता है 2 को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है। वेल, तो आपको क्या लगता है कि नई स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म पिछली फिल्म की तरह हिट हो पाएगी या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड जगत से जुड़ी ऐसी और चटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।